गुड मॉर्निंग सर, ये हमारा एस टेस 100 ईयर इलेक्ट्रिकल लॉक, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसका फिटिंग कैसे करते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये अपना मेन लॉक है, ये दूसरा वाला पार्ट है जिसमें आपका लॉक का जो लैच होता है वो रेस्ट करता है, ये यहाँ पे रेस्ट करता है। ये सिलेंडर असेंबली है, इसकी चाबी हैं, कीज़ हैं। ये हैं आपके कुछ पार्ट और ये आपके कुछ स्क्रूज हैं जो मिले हुए हैं। ये जो पार्ट है ये आपका जो बाहर से जो सिलेंडर असेंबली लगेगी उसके सेंटर से होता हुआ ऐसे लगेगा, तो इसका इस वाले पोर्शन का ये मतलब होता है। लॉक इंस्टॉल करने से पहले ये देखना आपने कि जो ये रेस्ट है जहाँ पे आपका लैच रेस्ट करेगा, इस तरह से इंस्टॉल करना कि कम से कम ये जो लैच है ये इसके अंदर 90% रेस्ट कर जाए। जब इंस्टॉल हो तो जैसे रगड़ता हुआ गेट जाए तो इसमें जाने से पहले ये आपका प्रेस होना चाहिए, 90% कम से कम अंदर जाना चाहिए इस तरह से, ठीक है, इंस्टॉल करने से पहले। सिलेंडर असेंबली का मैं बताया था आपको, यहाँ पे दो पेज दे रखे हैं आपको, एक और एक दो, इनको ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि जो सिलेंडर असेंबली है उसका मार्जिन कैसे लेना है। पॉज कर, ये सर इसका फ्रंट कवर ओपन करने के बाद ये देखिए असेंबली ऐसे होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से एक लंबी लाइनिंग दे रखी है आपको, ये वाली लाइन यहाँ से लेके ये पूरा मार्जिन होता है। इसमें आप इस वाली असेंबली को बैक से कहीं भी रेस्ट करा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे, जब आप गेट पे एक बार नॉर्मली उसका व्यू ले करके यहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं इस ऑप्शन पे, गेट पे कम से कम इतना अंदर ले करके सामने वाले पार्ट में आपका प्रेस होना चाहिए, इसका मार्जिन ले करके आप उसमें होल करा लेंगे। होल आपको इतना करवाना है कि ये जो असेंबली प्रॉपरली आपकी रेस्ट कर सके इसके अंदर तक बैक साइड से, ठीक है। ये इसके बैक साइड से मैं देखा रहा हूँ, एक ये पार्ट दे रखा है आपका, इसका बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जो ग्रूव दे रखा है ना, ये ग्रूव, इस ग्रूव के हिसाब से आप उसमें बाहर की साइड से होल करा लेंगे, इस ग्रूव के हिसाब से जो बाहर निकला हुआ है। इतना होल करने के बाद आप क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन बाहर रहेगा आपका, दिख रहा ना ये वाला पोर्शन नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन आपका बाहर की साइड रहेगा। जब आप इसके ग्रूव के हिसाब से होल करा देंगे तो ये उस होल में ग्रूव बैठ जाएगा पूरा। बैठने के बाद चार पेज इस पे लगाएंगे, या फिर दे रखें छोटे वाले पेज, इनकी हेल्प से आप चौखट में लगा सकते हैं, अलग से भी लगा सकते हैं इनको ना। तो इसको बैठाने के बाद आप क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन में से लेते हुए चाबी को वाले पोर्शन को, ये टी वाले पोर्शन को आप इस तरह से रेस्ट करा देंगे, ये रेस्ट हो जाएगा और ये आपका चार पेजों से ऑलरेडी टिक जाएगा, एक दो तीन चार। अब इसमें जो दो पेज हैं इनका ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ये देखिए इस तरह से लग जाएगा। आप इसमें देखेंगे तो इसके बैक साइड से इसका मूव भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। इसको टाइट करने के लिए यहाँ से दो पेज लगा सकते हैं आप, ये पेज दे रखे हैं आपको, यहाँ से आप जितना इसमें टाइट कर देंगे ये उतना टाइट हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा आपका, और अंदर जा करके ये लॉक में इस तरह से रेस्ट हो जाएगा इस तरह से। ये आपका पूरा फिटिंग है, इस तरह से आपने फिट करना है।